फ्रेंड्स, मैं प्रमोद कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आया हूं, जो बायोकेमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लिपिड एंड लिपिड के क्लासिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, आपको हम लिपिड की संपूर्ण नॉलेज आपको आज देने वाले हैं। दोस्तों, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा दोस्तों। और यह वीडियो उन फ्रेंड के लिए अति आवश्यक है जो प्रेजेंट टाइम में एग्जाम देने वाले हैं। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट प्रेजेंट टाइम में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी यूजफुल साबित होने वाला है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लिपिड के क्लासिफिकेशन के बारे में। इसमें हम संपूर्ण नॉलेज आपको देंगे और सिंपलिसिटी लैंग्वेज में देंगे दोस्तों, जिससे आपको कुछ भी चीज रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिए बिना ही टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला ही टर्म है जो लिपिड है। लिपिड को सर्वप्रथम जो फर्स्ट बार उसका नाम दिए थे, ब्लूर नामक वैज्ञानिक ने दिए थे दोस्तों 1943 में दिए थे। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों, लिपिड क्या है। पहले तो लिपिड जो है दोस्तों, यह है फैटी एसिड और प्लस एल्कोहल का कॉम्बिनेशन होता है। एल्कोहल यानी कि जो लिपिड होता है, लिपिड जो होता है वह फैटी एसिड और एल्कोहल का संयुक्त विषमांगी मिश्रण होता है, जो जल में अविलेय किंतु कार्बनिक विलायकों जैसे एथिल एल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन में विलेय होता है। तो दोस्तों, लिपिड के क्लासिफिकेशन के बारे में हम आप बात करने वाले हैं। लिपिड का जो थ्री पार्ट में उसको डिवाइडेशन किया गया है दोस्तों, पहला है सिंपल लिपिड और सेकेंड है कंपाउंड लिपिड और थर्ड है डिराइव्ड लिपिड। दोस्तों, अब सिंपल लिपिड में टू टाइप्स, पहला हो जाएगा दोस्तों फैट या आयर और दूसरा हो जाएगा दोस्तों वैक्स से। और कंपाउंड लिपिड में क्या है दोस्तों, कंपाउंड लिपिड में फोर टाइप्स में डिवाइडेशन किया गया है। पहला होता है दोस्तों कंपाउंड लिपिड में फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड और सेकेंड है ग्लाइकोलिपिड और थर्ड है सल्फोलिपिड और फोर्थ है लिपोप्रोटीन। अब देखिए दोस्तों, फास्फोलिपिड क्या होता है। अब पहले हम इसके बारे में आपको बता देते हैं। जो फैट है दोस्तों, यह सॉलिड इन रूम टेम्परेचर, यानी कि जो फैट है दोस्तों, यह रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। यानी कि जो रूम का टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर यानी कमरे का ताप जो होता है दोस्तों, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जो आपका फैट है, वह सिंपल लिपिड के टू टाइप्स, फैट या आयर या वैक्सेस। तो फैट क्या होता है दोस्तों, वह सॉलिड इन रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है, यानी कि रूम का टेम्परेचर जो होता है, कमरे का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। और आयर जो होता है दोस्तों, लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड इन रूम टेम्परेचर, यानी कि लिक्विड फॉर्म में रहता है, लिक्विड इन रूम टेम्परेचर जब रहेगा तो वह आयर के कंडीशन में हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए फैट क्या होता है दोस्तों, फैट में क्या होता है, फैट की यदि हम बात करें तो फैट में मुख्यतः दोस्तों फैटी एसिड प्लस ग्लिसराल प्रेजेंट होता है। यानी आपसे पूछेंगे कि फैट क्या है, तो फैट सिंपल लिपिड का एक पार्ट होता है, जिसमें फैटी एसिड तथा ग्लिसराल उपस्थित होता है, उस कंडीशन को फैट बोला जाता
है। यदि हम दोस्तों बात करें, और यहाँ पर आपको पहले ही हमने बता दिया कि लिपिड जो होता है फैटी एसिड और एल्कोहल का कॉम्बिनेशन होता है, जो हेटरोजाइगस कंडीशन यानी विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी का मतलब उसमें फैटी एसिड की मात्रा और एल्कोहल की मात्रा सेम नहीं होती है। जब किसी कंपाउंड में किसी भी सबस्ट्रेट की मात्रा सेम न हो तो वह विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आ जाता है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों वैक्सेज। वैक्सीन में क्या होता है दोस्तों, उसमें एक फैटी एसिड और सिस्टेम एल्कोहल। एल्कोहल जो होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि कार्बन की 16 यानी 16 कार्बन श्रृंखला वाली एक कंपाउंड होता है जिसे सिस्टेम एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। तो वैक्सेज की यदि आपसे परिभाषा पूछा जाए तो वैक्सेज क्या होता है, सिंपल लिपिड का एक पार्ट होता है जिसमें फैटी एसिड तथा सिस्टाइल एल्कोहल उपस्थित होता है, जिसमें कार्बन के 16 श्रृंखला वाला एक कंपाउंड उपस्थित होता है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों फास्फोलिपिड। डायरेक्ट आपके कंपटीशन में या एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि व्हाट इज फास्फोलिपिड क्या है, या ग्लाइकोलिपिड क्या है, या सल्फोलिपिड क्या है, या लिपोप्रोटीन क्या है। तो दोस्तों आप ध्यान से यहां पर देखिएगा, फास्फोलिपिड में पहला अक्षर पी से है, इसीलिए इसमें क्या अवेलेबल होगा, फास्फोरस अवेलेबल होगा प्लस फैटी एसिड अवेलेबल होगा, यानी फैटी एसिड और एल्कोहल होगा और इसमें क्या होगा, नाइट्रोजीनियस बेस होगा। तो हम शॉर्टकट NB लिख दे रहे हैं दोस्तों, नाइट्रोजीनियस बेस। यानी कि अब यदि आपके एग्जाम में पूछे कि फास्फोलिपिड क्या है तो आप सिंपलिसिटी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि फास्फोलिपिड कंपाउंड लिपिड का एक पार्ट होता है जिसमें फास्फोरस, फैटी एसिड, एल्कोहल तथा नाइट्रोजीनियस बेस से बना कंपाउंड होता है जिसे फास्फोलिपिड कहा जाता है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों ग्लाइकोलिपिड क्या होता है। ग्लाइकोलिपिड का जो ग्लाइको होता है, ग्लाइको का अर्थ होता है दोस्तों सुगर। तो इसमें क्या है, यदि आपसे पूछे ग्लाइकोलिपिड क्या है तो आप सिंपलिसिटी लैंग्वेज में लिख देंगे दोस्तों कि ग्लाइकोलिपिड में क्या होता है, सुगर होता है, या सुगर कह सकते हैं, या सुगर का अदर पार्ट जो होता है कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें क्या होगा कि फैटी एसिड हो जाएगा सभी कंपाउंड में, लिपिड के सभी कंपाउंड में फैटी एसिड आते हैं क्योंकि वह उच्च वसी अम्लों के एस्टर होते हैं, इसीलिए फैटी एसिड सभी कंपाउंड में आएंगे। फैटी एसिड अब क्या होगा दोस्तों, प्लस फैटी एसिड के बाद आप कर देंगे एल्कोहल प्लस कार्बोहाइड्रेट आएगा क्योंकि ग्लाइको का मतलब होता है सुगर। अब सुगर जो कार्बोहाइड्रेट होता है, एक प्रकार का सुगर होता है, तो प्लस कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट। फिर उसके बाद क्या हो जाए, नाइट्रोजीनियस बेस इसमें भी अवेलेबल होगा। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि ग्लाइकोलिपिड किसे कहते हैं तो आप सिंपलिसिटी लैंग्वेज में लिख दीजिएगा दोस्तों कि ग्लाइकोलिपिड कंपाउंड लिपिड का एक पार्ट होता है जिसमें फैटी एसिड, एल्कोहल, कार्बोहाइड्रेट तथा नाइट्रोजीनियस बेस उपस्थित होता है। इस प्रकार की संपूर्ण घटना ही ग्लाइकोलिपिड कहलाती है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों सल्फोलिपिड क्या होता है। तो सल्फोलिपिड का पहला अक्षर सल्फर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सल्फर अवेलेबल होगा प्लस फैटी एसिड प्लस क्या होगा दोस्तों, एल्कोहल होगा प्लस नाइट्रोजीनियस बेस यानी सल्फर, फैटी एसिड, एल्कोहल और नाइट्रोजीनियस बेस का संयुक्त रूप जो होता है उसी को बोला जाता है सल्फोलिपिड। अब लिपोप्रोटीन क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ध्यान पर, तो यहाँ पर होता है क्लाइलोमैक्रान एक नाम है, और इसके अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आ गया हाई लो डेंसिटी लियोप्रोटीन यानी HLDL, आप लिख दीजिएगा हाई लो डेंसिटी लियोप्रोटीन। अब अगला यदि आपको लिखना हो दोस्तों तो आप लिख दीजिएगा लो डेंसिटी लियोप्रोटीन। उसके बाद यदि आपको लिखना होगा दोस्तों वेरी लो डेंसिटी लियो प्रोटीन, यह लिपो प्रोटीन के अंतर्गत आता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि फास्फोलिपिड के और अदर पार्ट क्या होते हैं। तो फास्फोलिपिड में दोस्तों और पार्ट को डिवाइडेशन किया गया है, तो हम यहां पर आपको सिंपलिसिटी लैंग्वेज में आपको समझा दे रहे हैं दोस्तों। फास्फोलिपिड में जो होता है दोस्तों, पहला होता है
ग्लाइकोफास्फो इनोसिटाइड्स होता है दोस्तों, ग्लाइको फास्फो इनो सी टी आई डी ए टाइड्स, फास्फो इनोसिटाइड्स होगा, सॉरी दोस्तों फास्फो इनोसिटाइड्स। अब दूसरा होगा दोस्तों ग्लाइकोफास्फोलिपिड, यानी पहला होगा फास्फो इनोसिटाइड्स, दूसरा होगा ग्लाइको फास्फोलिपिड और तीसरा का होगा फास्फो स्फिंगोसाइड्स। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों इसमें एग्जांपल क्या है, यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहां पर लिखा गया है फास्फो इनोसिटाइड्स, यानी कि अब इसका एग्जांपल यदि आपको लिखना होगा तो खाली आपको मोनो और डाई जोड़ना पड़ेगा, तो आप यहां पर मोनो जोड़ दीजिएगा मोनो और जस्ट लाइक यही यहां पर लिख दीजिएगा, तो मोनो फास्फो फास्फो इनोसिटाइड्स, यहां पर आपको खाली मोनो जोड़ना है और जस्ट लाइक यही लिख देना है, फिर उसके बाद डाई जोड़ना है, डाई फिर जस्ट लाइक फिर यही जोड़ देना है, इनोसिटाइड्स यानी कि मोनो फास्फो इनोसिटाइड्स और डाई फास्फो इनोसिटाइड्स, यह फास्फो इनोसिटाइड्स का क्या है एग्जांपल है। और ग्लाइकोफास्फोलिपिड में यदि हम बात करें दोस्तों तो इसमें आता है क्या सेफलिन, एग्जांपल में सेफलिन आता है, लेसिथीन आता है, थीन आता है, प्लाज्मालोजिन आता है, प्लाज्मालोजिन। और यदि हम बात करें दोस्तों फास्फो स्फिंगोसाइड में तो इसमें आता है एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसे माना जाता है फास्फो मेथाइलिन, स्फिंगो मेथाइलिन, स्फिंगो मेथाइलिन, स्फिंगो मेथाइलिन। तो दोस्तों मैंने आपको लिपिड का पूरी क्लासिफिकेशन बताया और इसमें हम यह भी बता दे रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछेगा कि व्हाट इज लिपिड एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्क्राइब ऑफ लिपिड, लिपिड क्या है, लिपिड के क्लासिफिकेशन के बारे में वर्णन कीजिए। तो दोस्तों आप लिपिड जो है लिपिड का सर्वप्रथम नाम इसका रिविजन मैं कर दे रहा हूँ एक बार पुनः इसका, तो लिपिड जो है ब्लू नामक वैज्ञानिक ने 1943 में दिए थे, और जो लिपिड होता है दोस्तों वह फैटी एसिड और एल्कोहल का संयुक्त रूप होता है दोस्तों, और लिपिड को मुख्यतः तीन पार्ट में डिवाइडेशन किया गया है सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डिराइव लिपिड। तो दोस्तों मैंने बताया कि सिंपल लिपिड में टू पार्ट होते हैं, फैट होता है और दूसरा वैक्सेज होता है, जो फैट होता है दोस्तों वह सॉलिड इन रूम टेम्परेचर, यानी सॉलिड इन रूम टेम्परेचर पर फैट जो होता है ठोस अवस्था में पाया जाता है, जबकि आयन जो होता है लिक्विड इन रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर होता है दोस्तों वह 25 डिग्री माना जाता है। और यहाँ पर वैक्सेज है, वैक्सेज जो बना होता है फैटी एसिड और सेस्टी एल्कोहल, यानी मैंने बताया कि 16 कार्बन श्रृंखला वाला एक कंपाउंड होता है जो वैक्सेज के अंतर्गत आता है। फिर हम बात किए कि कंपाउंड लिपिड को मुख्यतः 4 भागों में डिवाइडेशन किया गया, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, सल्फोलिपिड और लिपोप्रोटीन। अब डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछेगा फास्फोलिपिड क्या है या ग्लाइकोलिपिड क्या है या सल्फोलिपिड क्या है या लिपोप्रोटीन क्या है, तो आप इसी को ध्यान से यही मैटर को आप कॉम्बिनेशन करके संयुक्त रूप से सीख लीजिए, जिसे फास्फोलिपिड में पहला अक्षर पी है यानी फास्फोरस होगा, फैटी एसिड एल्कोहल और नाइट्रोजनियस बेस का संयुक्त रूप होता है जिसे फास्फोलिपिड कहा जाता है। यदि अगला टर्म आपको हम बताएं दोस्तों यहां पर लिखा गया ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड का मतलब होता है दोस्तों इसमें फैटी एसिड प्लस एल्कोहल और कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजनियस बेस उपस्थित होता है, क्योंकि ग्लाइको का मतलब होता है शुगर और जो शुगर होता है वह कार्बोहाइड्रेट का ही संयुक्त रूप होता है। और यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों सल्फो लिपिड, यानी कि सल्फर होगा, फैटी एसिड होगा, एल्कोहल और नाइट्रोजिनियस
बेस। तो आपको यदि एग्जाम में पूछेगा कि सल्फोलिपिड क्या है, तो आप सिंपलिसिटी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं कि सल्फोलिपिड कंपाउंड लिपिड का एक पार्ट होता है, जिसमें सल्फर, फैटी एसिड और एल्कोहल और नाइट्रोजीनियस बेस का संयुक्त रूप होता है, जिसे सल्फोलिपिड बोला जाता है। यदि लिपोप्रोटीन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा गया है काइलोमाइक्रॉन हाई, यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा गया HLDL, मैंने बताया हाई लो डेंसिटी लियोप्रोटीन, लो डेंसिटी लियोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लियोप्रोटीन। और यहाँ पर हम बात कर दें दोस्तों डिराइव्ड लिपिड के अंतर्गत, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डिराइव्ड लिपिड, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछेगा कि सिंपल लिपिड क्या है या कंपाउंड लिपिड क्या है या डिराइव्ड लिपिड क्या है। तो डिराइव्ड लिपिड के अंतर्गत हम आपको एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बता दे रहे हैं दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिएगा। मान लीजिए इसमें क्या आता है, फैटी एसिड आता है, फैटी एसिड आता है, एल्कोहल आता है, स्टीराल आता है, स्टेरॉइड आता है, और जितने भी फैट यानी वसा में सॉल्युबल विटामिन होते हैं सब आ जाते हैं, यानी वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के जितने भी विटामिन है सब डिराइव्ड लिपिड के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो मैं आपको सिंपलिसिटी लैंग्वेज में सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड की परिभाषा बता देते हैं दोस्तों इसी टॉपिक के अंतर्गत। सिंपल लिपिड क्या होता है दोस्तों, यह एथिल एल्कोहल के उच्च वसी अम्लों के एस्टर होते हैं, यानी कि लिपिड में फैटी एसिड यानी उच्च वसी अम्ल अवश्य आएगा, यानी कि सिंपल लिपिड क्या होता है, यह उच्च वसी अम्लों के एस्टर होते हैं, यानी कि वह एल्कोहल के उच्च वसी अम्लों के एस्टर होते हैं। या कंपाउंड लिपिड क्या होता है, यह एल्कोहल के अतिरिक्त किसी अन्य वसी अम्ल के एस्टर होते हैं, यानी कि इसका तो एस्टर होगा एल्कोहल का तो होगा, बट एल्कोहल के अतिरिक्त किसी अन्य वसी अम्ल का भी एस्टर हो सकता है, तो इस घटना को बोला जाता है कंपाउंड लिपिड। यदि डिराइव्ड लिपिड की बात करें दोस्तों, तो डिराइव्ड लिपिड क्या होता है, वह सिंपल लिपिड तथा कंपाउंड लिपिड की हाइड्रेशन के दौरान बनता है। हाइड्रेशन यानी कि सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड का जब जल अपघटन कराया जाता है, तब डिराइव्ड लिपिड का निर्माण होता है। तो दोस्तों आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहां से भी क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड एंड डिराइव्ड लिपिड, तो आप सिंपलिसिटी लैंग्वेज में लिख दीजिएगा दोस्तों कि सिंपल लिपिड क्या होता है, यह एल्कोहल के वसी अम्ल का एस्टर होता है, जिसे सिंपल लिपिड कहा जाता है। अगला बात करें दोस्तों यहां पर, तो लिखा गया कंपाउंड लिपिड, तो यहां लिख दीजिएगा दोस्तों कि यह एल्कोहल के वसी अम्लों के अतिरिक्त किसी अन्य वसी अम्ल का एस्टर होता है, जिसे कंपाउंड लिपिड कहा जाता है। दोस्तों यहां पर लिखा गया है डिराइव्ड लिपिड, तो डिराइव्ड लिपिड क्या होता है, यह सिंपल लिपिड तथा कंपाउंड लिपिड के जल अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसे डिराइव्ड लिपिड कहा जाता है। दोस्तों मैंने लिपिड के बारे में संपूर्ण नॉलेज आपको दे दिया, आप इस वीडियो को एक बार देखकर अवश्य परीक्षा हॉल में अवश्य जाएगा दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम में छप सकता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और यह वीडियो उन फ्रेंडों को अवश्य शेयर कीजिएगा दोस्तों जो प्रेजेंट टाइम में एग्जाम देने वाले हैं। दोस्तों यह लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बनते जाते हैं, हर बार एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसी के उद्देश्य से दोस्तों मैंने यह वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर शो किया, ताकि मेरा एक ही उद्देश्य है दोस्तों कि अब की बार परीक्षा को उसकी औकात दिखा दो, पेपर को धुआं धुआं कर दो दोस्तों, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।